एक व्यक्ति जो एक प्राइवेट फर्म में काम करता था, वो अपने जीवन में घट रही छोटी छोटी प्रॉब्लम से बहुत दुखी रहता था। उसी शहर में एक महात्मा आया, तो वो उन महात्मन से मिलने पहुंचा और कहा, महात्मन मैं बहुत परेशान रहता हूं, मेरे जीवन में कुछ भी सही नहीं चल रहा है, कोई ना कोई परेशानी मुझे घेरे रखती है, कभी घर की समस्या, कभी बच्चों की, कभी ऑफिस की, मैं अपने जीवन से तंग आ चुका हूं, मुझे कोई हल बताएं कि मैं कैसे अपनी जिंदगी में अपनी परेशानियों से मुक्ति पा सकूं। तो उस महात्मा ने कहा, जरूर मैं तुम्हारे इस समस्या का हल तुम्हें जरूर दूंगा, मगर एक शर्त है, तुम्हें आज रात यही रुकना होगा और मेरे ऊंटों की रखवाली करनी होगी। जब तक कि सारे ऊंट बैठ ना जाए तुम सोना नहीं, और मैं कल तुम्हारे इस समस्या का हल दूंगा। वैसे ही वह व्यक्ति वहां रुक गया। अगली सुबह वो जब महात्मा से मिला तो महात्मन ने पूछा, कहो कैसी नींद आई? तो उस व्यक्ति ने कहा, मैं तो पूरी रात सो ही नहीं पाया, कभी एक ऊंट उठता तो दूसरा बैठता, दूसरा बैठता तो कोई और उठ जाता, पूरी रात यही चलता रहा, कोई भी ऊंट एक साथ नहीं बैठे, तो मैं सो ही नहीं पाया। महात्मा मुस्कुराते हुए कहते हैं, जीवन भी यही है, परफेक्ट जीवन, परफेक्ट लाइफ एक मिथ है, सिर्फ एक कल्पना। असल में जीवन में कभी भी कोई भी ऐसा दौर नहीं होता कि जब सही चलता हो, सब सही चलता हो। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने जीवन में अपनी खुशियों को अवॉइड करना शुरू कर दें, छोटी छोटी दिक्कतों को लेके परेशान रहना शुरू कर दें। परेशानियां तो चलती ही रहेंगी, एक आएगी दूसरी जाएगी, परेशानियां परमानेंट नहीं होती, जिस तरह से खुशियां परमानेंट नहीं होती उसी तरह से परेशानियां भी परमानेंट नहीं होती, आएंगी जाएंगी। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने जीवन में सिर्फ परेशानियों को लेके ही बैठे रहें, परेशान होते रहे, और जो आपकी जिंदगी में छोटी छोटी परेशानियों की जगह खुशियां आ रही हैं आप उनको भी अवॉइड करना शुरू कर दें, अपने परिवार पे ध्यान देना शुरू कर दें। यही जीवन है जिसको कहते हैं कि एक परफेक्ट जीवन, जो एक परफेक्ट लाइफ, वो सिर्फ एक मिथ है, वो सिर्फ कहानियों में होता है, सिर्फ फिल्मों में होता है, असल जिंदगी में नहीं होता।